नमस्ते ओम शांति। आप सब श्रोताओं का आपको स्वागत है आपके ही चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आके आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, आध्यात्म ही नहीं, लेकिन आप शरीर की अलग अलग कलाएँ जैसे योगासन, डाइट प्लान और साथ ही साथ चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ सीख सकते हैं इसी चैनल पर। और आप उस प्लेलिस्ट में जा करके चेक करें जिसमें कि सारी चीज़ें दी गई हैं, औरों के साथ भी शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। तो आगे चलें आज के 250वें दिन के ईश्वरीय वरदान में। परमपिता परमात्मा कहते क्या है हमें, बाबा कहते हैं दाता बन हर सेकंड। दाता मतलब देने वाला, बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले। अब यहाँ पर हर सेकंड आप किसी को धन दान देने के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन आप हर सेकंड किसी दुखी आत्मा, किसी बेचैन आत्मा, अशांत आत्मा के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आप दान कर सकते हैं शांति, सुख, जिसको हम कहते हैं कि प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रे कर दो। लेकिन वो प्रे नहीं है, ये प्रे है कि उसके जीवन में शांति सुख कैसे आए, उसके अंदर क्या गलतियां क्या कर रही है वो आत्मा, जिसको वो परिवर्तन कर दे गुणों से, शक्तियों से। कौन सी शक्ति की कमी है उसके अंदर? किसी के अंदर अगर सहन करने की शक्ति कमी है तो उसको गुस्सा आ जाता है, उसको अहंकार आता है, तो उसके अंदर सहन करने की शक्ति बढ़े, ये अगर आप सोचें इस तरीके से किसी बारे में सोचें तो इसको कहते हैं दान करना। ये एक उदाहरण सिर्फ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर परमात्मा कहते हैं दान देने वाले उदारचित महादानी भव, इसको हम विस्तार में लेके चलेंगे। बाबा कहते हैं आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हम लेने वाले नहीं, हम औरों से मेरे लिए प्रे कर दो, मेरे लिए अच्छा बोल दो, मेरे लिए अच्छा कर दो, ये नहीं, हम देने वाले हैं। फिर बाबा कहते हैं हर सेकंड हर संकल्प में देना है। अच्छा, लेने वाले क्या हुए? हमने किसी के बारे में कंप्लेन करी, इसने मेरे साथ ऐसी अच्छी नहीं बात करी, तो हमने क्या किया, हमने औरों से रिस्पेक्ट मांगनी शुरू करी, उसको कहते हैं लेना। औरों से हमने अपने शांति, हमारी बड़ाई के बारे में सुनने की इच्छा करी, किसी ने हमें गिरा दिया तो हमें कंप्लेन जब करी और बोला नहीं आप तो बड़े अच्छे हो, वो गलत है, हम बड़े खुश हो गए, इसको कहते हैं लेना। परमात्मा कहते हैं आप वो आत्मा ही नहीं हो, आप देने वाले आत्मा हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। तो हम देखते हैं कि लोग धन बहुत देते हैं लोगों को, परमात्मा कहते हैं वो तो आज दिया कल खत्म हो सकता है, लेकिन किसी को आप शक्ति, गुण और पवित्रता और प्रेम, सुख, आनंद कैसे पाना है अपने संकल्पों में वो सिखा दो, तो वो हमेशा के लिए वो आत्मा सुखी रहेगी और वो दान कभी खत्म नहीं होता और कोई चोरी नहीं कर सकता उनसे। फिर कहते हैं जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। किसको होती शक्ति की प्राप्ति? हमें होती है। पहले तो उनसे दुआएं मिलती हैं, दूसरा हमें जब ये सोचना पड़ता है किसी के बारे में, किसी को हमें हेल्प करनी पड़ती है स्पिरिचुअलिटी में, तो हमारे अंदर शांति बढ़ती है, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है, क्योंकि वो संकल्प किसने उत्पन्न किया? स्वयं ने। तो स्वयं का मन साफ हुआ, स्वयं के मन में शक्ति आई। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। उसके लिए हम मेडिटेट करते हैं, ऐसे संकल्प क्रिएट करते हैं मेडिटेशन में, हम गुणों के बारे में सोचते हैं, हम टॉलरेंस के बारे में सोचते हैं, हम पेशेंस के बारे में सोचते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में जब आप मेडिटेशन में सोचते हो तब जाकर के आपके मन के अंदर शांति, सुख, प्रेम, आनंद, खुशी और ये शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो क्या हुआ, भंडार भरपूर हो गया, तभी तो हम किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये करना कैसे है। फिर परमात्मा कहते हैं जो लेना था वह सब कुछ ले लिया। किससे? परमात्मा से। ज्ञान ले लिया, मन को शांत कैसे रखना है वो ज्ञान ले लिया परमात्मा से हमने ब्रह्म कुमारी में। बाकी रह क्या गया? बाकी रह गया क्या? देना। अब ले तो लिया परमात्मा, सब देना भी तो है ना अपने भाइयों को, बहनों को। फिर परमात्मा कहते हैं जो, तो देते जाओ, देने से और भी भंडार भरता जाएगा। तो ये है दूसरी सोच, धन देने से धन कम होता रहता है, बैंक बैलेंस कम होगा ऑब्वियसली। आपने किसी को 100 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, 1 लाख रुपये दिए, कम हो गया ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी को दुआएं दें, किसी को सुख कैसे लाना अपने जीवन में, उसकी विद्या दें, उसका ज्ञान दें, विजडम दें, तो वो बढ़ता है, ये डिफरेंस है। तो परमात्मा कहते हैं बेहद की सेवा करो, लिमिटेड सेवा मत करो, ये अनलिमिटेड सेवा करो, इसमें आपका सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। और किसी को अगर सुख शांति दे दी तो परमात्मा कहते हैं मैं तो किसी को धन नहीं देता हूँ, मैं सबको ज्ञान देता हूँ। वो ज्ञान के द्वारा जब वो शांति पा लेते हैं, शक्ति पा लेते हैं, उनके अंदर भरोसा आता है, तब जाकर के वो अपने कर्म करके वो धन की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं भगवान ने धन दिया, भगवान ने
मुझे गाड़ी दी, बंगला दिया, इनडायरेक्टली। तो परमात्मा कहते हैं किसी को ये ज्ञान दो, शक्ति दो, ताकि वो भी प्राप्तियां कर पाए अपने जीवन में, सुख पा पाए अपने जीवन में। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है आपको भी लेने के लिए, तो आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर के ये ज्ञान ले सकते हैं निःशुल्क। और ये विद्या क्या है, कैसे अपने मन को स्थिर करें, कौन सी चीज़ दान करनी चाहिए और दान पात्र को कैसे बढ़ाएं, वो भी आप आके सीख सकते हैं ब्रह्म कुमारीज में ही। तो आपका दिन आज का शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।